यार सिर्फ प्रोसेसर में चेंजेस करके इन्होंने V30E को V40 के नाम से भाई रिलॉन्च कर दिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। Vivo V40E स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo V30E स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्ले की। तो दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। भाई डिस्प्ले यहाँ पर कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें कर्व्ड AMOLED पैनल मिल रहा है। अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों फोन्स यहाँ पर भाई आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं, जो कि फ्रंट टच 14 पर बेस्ड है। और दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी भाई जरूर से देखने को मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। और बात करें अगर हम चिपसेट की, तो भाई V40E के अंदर हमें Dimensity 7300 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। भाई डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में चिपसेट एकदम बढ़िया है, लेकिन यार 30,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको अगर 20,000 वाले फोन का चिपसेट दिया जाए तो कितना गलत लगेगा ना। हाँ दोस्तों, इस फोन के साथ में यही हुआ है, क्योंकि ये प्रोसेसर आपको IQOO Z9S के अंदर मिल रहा है, जिसकी प्राइसिंग है 20,000 पे, तो भाई समझदार जनता बनी है। और वहीं दूसरी तरफ Vivo V30E के अंदर हमें Snapdragon 6 Gen 1 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में ये चिपसेट एकदम बढ़िया है, लेकिन कैसा लगेगा आपको यार जब पता लगेगा भाई यही सेम चिपसेट Vivo T3X के अंदर मिल रहा है, जिसकी प्राइसिंग है 13,000 पे। 13,000 वाले फोन का प्रोसेसर 27,000 वाले फोन में इन्होंने डाल दिया है। ये हाल चल रहे हैं भाई Vivo वालों के। और दोस्तों एंट्रोडो स्कोर की अगर हम बात करें तो Vivo V40E का आता है 7,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ V30E का आता है 5,50,000 के करीब। तो एंट्रोडो के मामले में यहाँ पर डेफिनेटली V40E स्मार्टफोन ही विनर है। और यार अगर आप इन दोनों फोन्स में किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और कैमरा सेटअप भाई सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और दोनों फोन्स के मेन कैमरा में हमें सोनी IMX882 वाला सेंसर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा है ना भाई, बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। भाई कैमरा सैंपल्स आप दोनों फोन्स के स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि इनके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। लेकिन यार अगर मुझे इन दोनों में किसी एक को चूज करना ना और भी ऑप्टिमाइज फोटो के हिसाब से, तब मैं यहां पर डेफिनेटली Vivo V40E की तरफ ही जरूर से जाना चाहूंगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से हम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग एट 30 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों दोनों फोन्स के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। भाई सेल्फी लवर्स के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, क्योंकि दोनों फोन्स का जो फ्रंट कैमरा है ना भाई, काफी बढ़िया डिटेलिंग के साथ में सेल्फी फोटोज आपके क्लिक कर देगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक एट 30 FPS पर कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर 5500mAh की भाई बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं, तो भाई 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको दोनों फोन्स के साथ में काफी इजीली मिल जाएगा। लेकिन फास्ट चार्जिंग में यहाँ पर भाई फर्क है, क्योंकि Vivo V40E तो 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन यार Vivo V30E सिर्फ 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 227,000 के फोन में भी आपको एवरेज फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे रहे हैं Vivo वाले। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर तो स्पीकर में भी फर्क है, क्योंकि V40E के अंदर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ V30 सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, सिंगल स्पीकर दोस्तों। और सिक्योरिटी के लिए दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो भाई V40E स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 30,000 पे, वहीं दूसरी तरफ Vivo V30E स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 27,000 पे। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों 30,000 के प्राइस पॉइंट पे भाई दोनों फोन्स में हमें एवरेज स्पेसिफिकेशन मिल रही है, रियलिटी बात है ये। तो देखिए अगर आपको गेमिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल टॉप का फोन चाहिए ना भाई, डेफिनेटली T3 Ultra की तरफ जरूर से जाइए। लेकिन दोस्तों कैमरा सेंट्रिक फोन चाहिए तो आप Vivo V40 को बाय कर लेना, इन्हें तो मत ही करना भाई, रियलिटी बता रहा हूं।